एंड उसके बाद आपका और दो क्वेश्चन था आई थिंक, जिसके अंदर में टॉप 5 स्टेट बाय प्रॉफिट आपको दिखाना है. तो सिंपली यू कैन कंसीडर अगेन दिस क्लस्टर कॉलम चार्ट, सॉरी कंट्रोल सेट करना पड़ेगा, इधर साइड में सेलेक्ट करते हैं, ये साइड में, इधर राइट, इधर पे सेलेक्ट करके फिर मैं क्लस्टर कॉलम चार्ट डालता हूं. एंड इसके ऊपर क्या करेंगे हम, यहां पे हमको यूज करना है प्रॉफिट और स्टेट. तो यहां पे हम स्टेट ले लेते हैं, पहले टॉप स्टेट में दिखाना है. तो मैं इसको क्या करता हूँ, वाई एक्सिस या लेजेंड में डाल देते हैं यहाँ पे, राइट, यहाँ पे हम डाल देते हैं. एंड यहाँ पे सेल्स आपको दिखाना, तो आपको ये एक्स एक्सिस में डालना है इधर पे, राइट. सो आपका क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे अभी इसको अगर मैं ड्रैग करते जाऊं, इसको अगर मैं देखो ऐसा दिखाऊं तो आपको सब दिख रहा है, लेकिन आपको टॉप 5 का ही देखना है, आपको सबका नहीं देखना है. तो सिंपली क्या करना है, इसके ऊपर जाके क्लिक करना है एंड बेसिक की जगह पे ना आप यहाँ पे क्या करोगे, टॉप एन, टॉप स्टेट जहां पे इतना प्रॉफिट या सेल्स जनरेट हो रहा है. तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, 5 डाल दिया और यहाँ पे मैं वैल्यूज में सेल्स डाल दूंगा. इसको जैसे ही अप्लाई करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ मुझे टॉप 5 स्टेट का ही दिखाई देगा. सो इस तरह से हमने सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दिए. आप इसमें और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते थे, टॉप 10 कस्टमर. अगर आप देखोगे, अगर ये रिपोर्ट थोड़ा सा बेहतर दिखता तो किस तरह से, ये क्योंकि मैंने लाइव बताया आपको, तो कुछ रिपोर्ट इस तरह का आपको दिखाई देता था. अगर मैं विजुअल पिंस बंद करके दिखाऊं डेटा लेवल, तो इस तरह का ये रिपोर्ट क्रिएट होगा, जहां पे ऑल ईयर्स हो गया, राइट, अलग अलग, ये हमने पहले से क्रिएट करके रखा था ताकि मैं आपको प्रैक्टिस करते करते आपके साथ बना सकूं. तो इस तरह का टॉप 5 स्टेट बाय प्रॉफिट, टॉप 10 कस्टमर बाय सेल्स, क्वांटिटी सोल्ड थ्रू वेरियस मोड्स एंड सो ऑन. तो इस तरह से हमारा जो पहला प्रोजेक्ट था लाइव, वो आपका कंप्लीट हो गया. सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सो दैट आप इसको सॉल्व कर सको बनाने के वक्त में, राइट.